नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां शुरू से बिहार विरोधी रही हैं। भाकपा माले ने राज्य की 34 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों को समर्थन देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग बिहार के पहले 3 चरणों के चुनाव की तैयारियों की आज करेगा समीक्षा। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पारे में उतार चढ़ाव का क्रम जारी, आज से गर्मी और बढ़ने के आसार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की नीतियां शुरू से बिहार विरोधी रही हैं। जमुई में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता के लिए जीने वाली कांग्रेस ने बिहार को बुरी स्थिति में छोड़ दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद समेत बिहार की टीम ने राज्य को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से महागठबंधन, विशेष रूप से राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान जो लोग कभी जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते थे, वे आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में चुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार ने न्याय के साथ विकास करते हुए हर क्षेत्र और हर तबके की सेवा की है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका मिलना चाहिए। पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर बढ़ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरक्षण पर गुमराह करने वालों की इस चुनाव में दाल नहीं गलेगी। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने रोजगार के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरीबों को मतदान से वंचित करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। भाकपा माले ने राज्य की 34 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि उनका दल राज्य की 4 सीटों आरा, काराकाट, सीवान और जहानाबाद पर उम्मीदवार खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी 2 अन्य सीटों पर वाम दलों का समर्थन करेगी। गौरतलब है कि राजद ने आरा सीट भाकपा माले के लिए छोड़ दी है। वहीं माले ने पाटलिपुत्र सीट पर राजद की मीसा भारती को समर्थन देने की बात पहले ही कही है। चुनाव आयोग आज बिहार के पहले 3 चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। निर्वाचन आयोग के बिहार प्रभारी और उप निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लेंगे। इसमें बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी और पहले 3 चरणों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल होंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि राजद से अलग होकर लालू राबड़ी मोर्चा गठित करने के मामले में तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई को लेकर पार्टी में विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में चर्चा के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और महुआ से विधायक तेज प्रताप यादव और उनके निजी सहायक को जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्व मंत्री श्री यादव ने राजधानी पटना के सचिवालय थाने में इस सिलसिले में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। निर्वाचन आयोग ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने में ढिलाई बरतने और निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पत्र लिखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के नवगठित लालू राबड़ी मोर्चा से बागी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश ने जहानाबाद से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने इस बात की सूचना दी है। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से मतदाता बनने के लिए 10 अप्रैल तक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
पटना जिला प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने वाली समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जुलूस में किसी पार्टी का संदेश या अपील जारी न करें, अन्यथा प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पटना में बाल विकास परियोजना धनरुआ के प्रांगण में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी रमण कुमार ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। इस रैली के जरिए उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इसके अलावा अरेराज संस्कृत हाई स्कूल के प्रांगण में मतदाता संवाद जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नवादा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता पैदल मार्च रैली निकाली गई। जिले में स्कूली बच्चों ने पदयात्रा कर आम मतदाताओं से 11 अप्रैल को वोट करने की अपील की। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शेखपुरा जिले में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व जिलाधिकारी इनायत खान ने किया। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। पिछले 48 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में उच्चतम और न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड कमी और बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में पटना और आसपास के इलाकों में तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इधर गया का अधिकतम पारा एक बार फिर 36 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि दोनों स्थानों पर न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी तापमान में वृद्धि होगी और गर्मी बढ़ेगी। साथ ही पटना को छोड़कर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की भी संभावना है। आर्मी बॉयज दानापुर पटना जिला हॉकी संघ और मुजफ्फरपुर की टीमें वैशाली के गुरौल में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मधुबनी के राजनगर ग्राउंड पर खेले गए हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में बेगूसराय ने मधुबनी को 1 विकेट से पराजित कर दिया। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। गोपालगंज जिले के फुलवरिया अंचल में पदस्थापित नाजिर शिव नारायण मंडल के खिलाफ 11 लाख रुपए से अधिक की राशि के गबन का मामला दर्ज कराया गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यमुना राम का कल पटना में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक स्थान फारबिसगंज में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल लालजी टंडन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन के लिए कर्मचारियों की आखिरी पूरी वेतन से अंशदान करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, मोदी बोले भारत को आंख दिखाने वालों से नरमी नहीं। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, 5 वर्षों से बहुत काम हुए, जो बच गए हैं उन्हें आपका यही चौकीदार पूरा करेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब मिलेगी अच्छी खासी पेंशन। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस घोषणा पत्र को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, राहुल का राजपत्र। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां शुरू से बिहार विरोधी रही हैं। भाकपा माले ने राज्य की 34 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों को समर्थन देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग बिहार के पहले 3 चरणों के चुनाव की तैयारियों की आज करेगा समीक्षा। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पारे में उतार चढ़ाव का क्रम जारी, आज से गर्मी और बढ़ने के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।